तो है फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं सिटी पार्क जो कि बोकारो में स्थित है। और तो चलिए आज हम लोग मिलते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से और पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा है। वैसे बता दूँ तो यह जगह तो बहुत ज़बरदस्त है। ये एरिया है आपका पॉन्ड एरिया है, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं ये बोटिंग एरिया है। और संडे है आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, आप देख सकते हैं। वैसे थोड़ा शाम हो गया है। इसके बारे में बता दूँ तो यहाँ बोटिंग का प्राइस आपका है 40 रुपीज़ पर पर्सन है, और आधा घंटा के लिए आप बोटिंग कर सकते हैं। और ये एरिया यहाँ का बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर बोटिंग करते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड, दो दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरे आपका नाम क्या हुआ? विक्की प्रामाणिक। विक्की, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण शर्मा। आप लोग यहाँ पर लोकल है या कहीं और से आए? बोकारो के जाने वाले, प्योर झारखंडी है। प्योर झारखंडी है। 1932 का खतियान है आपके पास एकदम। चलिए, यहाँ पर आपको आखिर कैसा लग रहा है ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ पे हाइजीन मेन साफ सफाई अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही तो वासा नहीं है जैसा होना चाहिए, वासा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कचड़े चारों तरफ, कचड़ी देखेंगे आपको जो भी यहाँ पिकनिक करने आता है। ये प्लेट फेंक देता है। हम भारतवासी है, हमारे खून में ये सब शामिल है, तो दूर करने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है। एरिया के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा है एरिया? एरिया बहुत मस्त, एरिया बहुत बढ़िया है, एरिया बहुत बढ़िया है। मैं रांची में रहता हूँ, सबसे अच्छा मेरे को बोकारो में लगता है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग आए हुए हैं सिटी पार्क, और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी फैमिली मिली हुई है। फैमिली फ्रेंड्स है ये लोग, फैमिली फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर आकर ये लोग किटी पार्टी कर रहे हैं, तो चलिए इनसे व्यू लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कैसा लग रहा है? अपने लिए जिए, बोला जाता है कि औरत का जिंदगी होता है या तो पति के लिए होता है, या बच्चों के लिए होता है, या परिवार के लिए होता है। आप लोग बोल रहे हैं कि हर एक महिला को, जैसे हमारी मम्मी हो गई या कोई भी हो गई हाउस वाइफ है, तो वो सिर्फ घर में ही काम करती रहती है, उन लोगों को भी चाहिए कि महीने में कम से कम एक दिन पत्नी निकाले। नहीं होता है, लेकिन काम खत्म करना पड़ता है। तो फ्रेंड, हमारे साथ अभी कुछ और दोस्त जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं यहाँ पर का अनुभव बताओ यार, क्या कर यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, में बहुत आदमी रहता है कि हम भी आते वीडियो बनाए तो बहुत मजा भी आता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, भी आता है। और नया नया आदमी से मिलने को मिलता है, बहुत आपको फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते, फैमिली में भी मिल जाता कोई कोई, तो उसके बाद जो मजा आता है अलग, साथ में फ्रेंड्स रहेंगे, खुला में बात कर सकते हैं अच्छा से। देखिए क्या विचार है भाई का यार, मतलब कि अभी हम लोग ऐसे हो गए हैं और घर में रहते हैं तो मोबाइल से बंधे रहते हैं, या तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इतना कुछ हो गया, यूट्यूब। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स रहेगा, दोस्त रहेगा, वीडियो बना सकते हैं अपना, जो मजाक कर सकते हैं, कोई वहाँ पे यहाँ पे बोलने वाला कोई बाउंडेशन नहीं यहाँ पे। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप भी मेरा सब्सक्राइब कीजिए, भाई का भी बहुत मेहनत करते हैं, इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत ही कर रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरत है, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। हमारे साथ दो एक अंकल और एक आंटी है। आंटी थोड़ा सा मोबाइल से निकल जाइए, आंटी इधर देख लीजिए। अच्छा, सिर्फ अंकल ही बोलेंगे? अच्छा, ऐसा लगता है पहली बार आज अंकल को बोलने का मौका मिल रहा है। अच्छा अंकल, आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मतलब कि फैमिली के साथ आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं, आइए घूमिए बढ़िया से, बात विचार कीजिए, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बात विचार भी होती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वैसे इस जगह के बारे में आपको क्या कहना है? जगह बहुत अच्छा है, उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा देखने लगा, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस हिसाब से बहुत ही बेटर है। मेरे बीच एक बाबू है जो यहाँ पे सी पार्क जो है उसमें कॉटन कैंडी बेचता है। बाबू, तुम यहाँ पे डेली आते हो, कितना बेचते हो डेली? 200-300। कुछ पैसा गिर भी गया, तो बाबू जैसा बता रहा है इसका कुछ पैसा गिर गया, और पूरा सेल आज हुआ नहीं था,
तो अभी भाई का कितना कैंडी बचा हुआ है तुम्हारा? चारों दे दो। तो अभी इस भाई का जो कैंडी है वो चारों कैंडी हम ले लेते हैं इससे। इसका पूरा सेल हो गया, अब तो खुश हो गया ना, पूरा बिक गया तेरा। एक बार स्माइल कर दो। अरे दोनों दोनों का स्माइल देखिए, कितना अच्छा स्माइल है। तो अभी बाबू को हम पैसा देते हैं। कैसे करके दे रहा था बाबू? 5 रुपये करके। लेकिन ये टोटल कितना है? 100 रुपीज़ है ये टोटल, तुम रखो ठीक है, और यहाँ पे आके बेचो। नाम क्या हुआ बाबू? सोनू कुमार। तो ये सोनू कुमार, आपको जब भी कोई यहाँ पे सिटी पार्क में आ रहे हैं तो ये सोनू कुमार यहाँ पे मिल जाएगा। घूम घूम के बेचते हो बाबू या कोई घूम के बेचता है? तो जब भी ये मिले तो इससे आप ज़रूर परचेस करें, तो कुछ भाई का हेल्प हो जाएगा। बहुत बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके कंधे पर अपने घर को चलाना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे का मदद जरूर करें आप लोग जितना भी हो सके। ठीक है बाबू, तुम्हारा नाम क्या हुआ? आंचल। आंचल, सोनू और आंचल। सोनू और आंचल, हम लोगों ने इनसे लिया है तो हमारे तरफ से एक आंचल को गिफ्ट करो यार। एक तुम भी खा लेना मेरे साइड से, तुम भी खा लो बाबू। ठीक है बाबू, भाई भी इंजॉय करो, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके के साथ में। बैडमिंटन एंजॉय किया हूँ मैं, बैडमिंटन खेल के तो बहुत ही मजा आया। दूसरा दिन है जी, लेकिन अगर बात करें पार्क में आने के बाद तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि थोड़ा रिलैक्स फील हो। जी जी, थोड़ा इंजॉयमेंट हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे शाम को थोड़ा जल्दी बंद हो जाना, ये थोड़ा मेरे लिए हिसाब से सही नहीं है। अगर दूसरी बात करें तो थोड़ा और लाइटिंग्स वगैरह में जोर देने की ज़रूरत है, जैसे कि आप देखे होंगे कि एक ही लाइट यहाँ पे ये जल रहा है, दूसरी लाइट वो बंद करके रखे हुआ है। फ्लड लाइट और एक दो सेल के साइड से लग जाए, और इसका कुछ डेकोरेशन और अच्छे से हो जाए, कुछ इक्विपमेंट्स लग जाए प्लेग्राउंड पे बच्चे को खेलने के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे भैया बोल रहे हैं, बिल्कुल। आप इंटर किए होंगे तो फर्स्ट जो आप मेन गेट है, मेन गेट का जो स्थिति आप देख रहे हैं, देखने से पता चलता है कि अंदर खंडर होगा। जी जी, तो ऐसा मुझे या आप लोग को भी पता होगा कि पहला ही आपका इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जा रहा है, तो अंदर कोई आना नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उस पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है जी। जो भी है इनके चार्ज में, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये पीछे देख सकते हैं आप, पूरा अंधेरा दिख रहा है। जी जी, एकदम से अंधेरा, इधर पूरा अंधेरा दिख रहा है, इधर पूरा दिख रहा है, लाइट्स जल रही है, प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो बेटर रहेगा। हाँ, सीटिंग एरिया। जी जी, कहीं भी सीटिंग्स के लिए आपको जगह नहीं है, तो ये सब थोड़ा जरूरत है करना जी। यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि थोड़ा इस पर आज के बाद कहीं सुधार। ये सामने में जो देख रहे हैं आप, ये डेफोडिल रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से नाइट का 10 बजे तक ओपन रहता है। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, आप फैमिली फ्रेंड के साथ में आके यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आए और इन्जॉय कराएं। ये हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये सैयसा हिंदा किस्तर रहमतुल्ला अलैह का ये मज़ार है, रहते हैं जब किस्तों का सवाल कब बना हुआ ये मज़ार। हमको जहाँ तक पता है इसके बारे में, नहीं तो 700 साल लगभग हो गया इनका ये मज़ार, मतलब 700 साल पुराना है। ये शहनशाह बोकारो के नाम से जाने जाते हैं। जी, आता खाली नहीं जाता है, मुराद पूरी होती है। खुद मेरा भी अकीदा है और मुराद पूरा हुआ बहुत सारा है, इनके वसीले से हम दुआ मांगते हैं तो मुराद पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुराद के दिन यहाँ पे लंगर खानी होती है, एक मुराद शरीफ होता है, वो सारा हजूम रहता है, लोग आते अपनी मन्नतें मांगने, कोई चादर चढ़ाने, कोई फूल कोशी करने, यही सब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बात फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने पूरा सिटी पार्क एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पर हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने टाइम व्यतीत किया है। यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर अभी हम लोग बोटिंग करके जस्ट उतरे हैं, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया हम लोग को, और बहुत सारा यहाँ पर पार्क है, बहुत सारे फैमिली से हम लोग मिले हैं जिनका यहाँ के बारे में रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।